हेलो गाइस, मैं हूं नितेश मंडेनिस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सैंडिएगो कॉमिक कॉन की डे 4 के बारे में। तो 21 तारीख था, संडे का दिन था। मॉर्निंग में 5:45 पर धीरे धीरे करके सैंडिएगो कॉमिक कॉन में फेज 4 अनाउंस हुआ। हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिला, कुछ एक्स्ट्रा मूवी देखने को मिली, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और देन मार्वल ने काफ़ी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। देन वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बारे में बताऊंगा, जो कि कंपेरिजन के लिए होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्वल स्टूडियो फेज 1 के बारे में कि उसमें क्या डिफरेंस रहा। तो सबसे पहले मार्वल फेज 1 2008 से लेकर 2012 तक रहा, जिसमें कि हमें 6 मूवी देखने को मिली। इसकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी आयरन मैन। देन उसी के साथ मार्वल स्टूडियो फेज 2 जो कि रहा था 2013 से लेकर 2015 तक, इसमें हमें देखने को मिली 6 मूवी। इसकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी एज ऑफ द अल्ट्रॉन, जो कि हम मार्वल फैंस के लिए दिल में बस गई। देन उसी के साथ फेज 3 जो कि 2016 से लेकर 2019 तक रहा, जिसकी ब्लॉकबस्टर मूवी रही एवेंजर एंड गेम। इसमें टोटल 11 मूवी आई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था। देन मार्वल फेज 4 2020 से लेकर 2021 तक, इसमें हमें 5 मूवी देखने को मिल रही है, पर कम, पर मार्वल ने हमारे लिए 5 शो भी दिए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो मूवी आ रही है ऑर्डर में, वो है 1 मई 2020 में ब्लैक विडो, जो कि स्कारलेट जॉनसन की है, सभी को पता है। देन उसी के साथ सेकंड जो टीवी सीरीज आ रही है कंटिन्यूस इसी की, फैल्कन इन द विंटर सोल्जर, ये रिलीज हो रही है 2020 को, जो कि ब्लैक विडो के बाद कंटिन्यूस रिलीज होगी मार्च या अप्रैल के महीने में। देन उसके साथ लास्ट में इसी साल दूसरी मूवी आ रही है 6 नवंबर 2020 को, द एंटरनल्स। तो इस साल हमें सिर्फ 2 मूवी देखने को मिलेंगी। अब इस साल का सबसे बेस्ट जो हमारे लिए रहा, वो रहा शांग ची का द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। ये रिलीज होगी 12 फरवरी 2021 को। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। उसके बाद एक टीवी सीरीज एक और आ रही है वांडा विजन, ये वही वांडा विजन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्ट होंगे डायरेक्टली। तो ये भी कंफर्म नहीं है इसकी रिलीजिंग डेट, पर ये 2021 में रिलीज होगी। उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो कि वांडा विजन से कनेक्ट होगी 7 मई 2021 को रिलीज होगी, और ये मई में के महीने में रिलीज हो रही है और काफ़ी बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद लोकी रिलीज होने वाली है, जो कि 2012 की टाइमलाइन होगी। तो इसकी भी कोई डेट कभी कंफर्म नहीं हुई है। फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली एनिमेशन सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वॉइस आर्टिस्ट लिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल की होने वाली है। देन उसके साथ सबकी फेवरेट थॉर 4 यानी कि लव ऑफ थंडर, 5 नवंबर 2021 को ये रिलीज होगी, जो कि सबकी फेवरेट होने वाली और ब्लॉकबस्टर, बहुत बड़े लेवल की मूवी। देन उसके साथ लास्ट में 2021 में हॉकआई, तो उसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, पर ये दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। तो गाइस, ये थे वो सारे मूवीज और सारे एपिसोड टीवी सीरीज। और देन मैं तो ये कहूँगा कि मार्वल फेज 4 काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब इनके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि मैं हर एक मूवी की आपको फुल डिटेल दूंगा, उसकी कास्ट, उसकी रिलीजिंग डेट और क्या प्लॉट होने वाला है, एवरीथिंग। तो गाइस, थोड़ा वेट करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। टीली में कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंद इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर ब्लैक विडो के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।